स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमांकुर डिजी लेसन। में हम लेसन 4 की एक्सरसाइज करेंगे। शब्दार्थ, तरस अभाव का अनुभव, दया पाने की ललक, कंदुक मतलब होता है गेंद, टहनी, टहनी मतलब डाली या छोटी शाखा, कोप, कोप का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, रीता, रीता मतलब होता है रिक्त, खाली, ललचाई, ललचाई मतलब होता है लालच से भरी, कदम, कदम का मतलब क्या होता है एक पेड़, नाहक, नाहक का मतलब होता है बिना हक के, अधिकार रहित, दामनी, दामनी का मतलब होता है बिजली, दादुर, दादुर का मतलब होता है मेंढक, कंठ, कंठ का मतलब होता है गला, पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़, अभिनंदन, अभिनंदन का मतलब होता है सम्मान, दमक, दमक का मतलब होता है चमक, क्रोध, कौंत, मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मेघ बजने से कवि का क्या आशय है? मेघ बजने से कवि का आशय बादलों के तेज आवाज के साथ गरजने से है। 2, पंख किस प्रकार से हरी चंदन लगने लगता है? बरसात में सब ओर पानी भर जाता है, जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और तब वह हरी चंदन सी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 3, वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? उत्तर, वर्षा के आगमन व बिजली चमकने से मेंढक टर-टर करने लगते हैं, पृथ्वी साफ स्वच्छ हो जाती है, मिट्टी पानी के मिलने से बनी कीचड़ भगवान के चंदन जैसी लगती है, जिससे किसान अपने हलों के स्वागत में तिलक लगाते हैं। 3, कदम किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है? उत्तर, कदम गेंद के समान झूलता दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 4, धरती का हृदय किस प्रकार धुला लगने लगा है? उत्तर, धूली व मिट्टी से अटी पड़ी पृथ्वी पर जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो सारी गंदगी साफ हो जाती है और धरती स्वच्छ दिखाई देने लगती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खाली स्थान का कंठ खुला, दादुर का कंठ खुला, धरती का खाली स्थान धुला, धरती का हृदय धुला, खाली स्थान मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत का मतलब क्या होता है, हम उसकी परिभाषा, तुकांत शब्द कविता या गीत के दो चरणों में अंतिम अक्षरों का मेल होता है, उसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। चंदन का क्या होगा, बंदन, चमक दमक, रीता बीता, बरस तरस। प्रश्न नंबर 3, इस कविता की जिन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकारों ने छांट कर लगी, पहले हम अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद में हम इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार छांटेंगे। अलंकार क्या होते हैं, काव्य के शोभा कारक धर्म गुण अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति हो तो किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है, किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। तो क्या होगा उत्तर अपना, धिन धिन धा धमक धमक, ठीक है। दूसरा, दामनी यह गई दमक। तीसरा, टहनी टहनी में कंदुक समझूले कदम। चौथी, फूले कदम
इन सब में क्या है? इन सब पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इनमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जिससे कि उस वाक्य सुनने में सुंदर लग रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए। स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में, पिछले लेसन में हमने उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए थे। अब इस लेसन में हमको क्या करना है? उपसर्ग छांटना है। उपसर्ग के बारे में आपको सभी को पता है कि आगे लगता है उपसर्ग, है ना? तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे कि अभिनंदन, अभिनंदन में क्या उपसर्ग है? अभी। अभिवादन में भी क्या उपसर्ग है? अभी। विराग में कौन सा उपसर्ग है? भी। प्रवचन में प्रा उपसर्ग है। अभियोग में अभी उपसर्ग है। वियोग में भी उपसर्ग है। प्रयोग में प्रा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, सही विकल्प चुनिए। कल सरिता खाली स्थान समारोह में गई थी। कौन से समारोह में गई थी? अभिनंदन, अभिवादन, अभिनंदन, अभिचंदन। तो किस में गई थी? अभिवादन। कल सरिता अभिवादन समारोह में गई थी। लिखाई, ललचाई, पढ़ाई, इन शब्दों में प्रत्यय खालिस्थान है। कौन सा है? प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो इसमें कौन सा होगा? लिखाई, ललचाई, खाई, आई, आई। इसमें कौन सा प्रत्यय है? आई। अब हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप इस लेसन के नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।